नमस्कार। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की रात में निर्भया के साथ दरिंदगी की गई और रात में दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, निर्भया के साथ उसके जो साथी थे उसके साथ भी काफी मारपीट की गई। निर्भया के साथ हुई इस बर्बरता पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश हिल गया था। यह जंग निर्भया ने तो बहादुरी से लड़ी लेकिन वो जिंदगी के जंग में हार गई और उसके इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई, जिसके बाद निर्भया के दोषियों के लिए लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो बाहर आते दिखा और काफी विरोध प्रदर्शन के बाद निर्भया के गुनाहगारों को पकड़ा गया और फांसी देकर सिर्फ निर्भया ही नहीं बल्कि निर्भया के माता पिता और पूरे देश की जनता को इंसाफ दिया गया, जिसे मिलने में 7 साल का समय लगा। निर्भया के दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया था। दोषियों को फांसी की तख्ते पर पहुंचाने के लिए उनकी मां ने जटिल कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल गया। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।